देखो लिजिट लियर्स प्रिंसिपल क्या है, ये मतलब किस बारे में बोलता है? तो लिजिट लियर्स प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे स्टेट पर आ चुका है, कोई भी अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर हो अगर कोई भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेट पर कर दिया जाए और उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी चीजें चेंज करोगे तो रिएक्शन अपने आप को क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी है और रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है ठीक है जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या हुआ, ए टू बी रिएक्ट करके सी टू डी बनता था, वापस सी टू डी रिएक्ट करके ए टू बी बनने का रेट क्या हो गया दोनों का, सेम हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन चला गया इक्विलिब्रियम पे। तो मान लो कि अगर कोई भी रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुका है ठीक है, दोनों का रेट क्या है इस पॉइंट पर फिक्स हो गया बनने का। अगर कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर होगा तो उसके ऊपर अगर आप कोई भी जैसे मान लो कि इस रिएक्शन के अंदर कुछ भी अगर चीजें को चेंज करोगे, कुछ भी चीजों को चेंज करने का मतलब मान लो कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को घटाओगे ठीक है, तो रिएक्शन हमेशा चाहेगा कि हम अपने आप फिर से वापस इक्विलिब्रियम पे रहें। और इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, जो आप चीजों को यहां पर चेंज करोगे वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करने लगेगा। आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे तो वो चाहेगा कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को फिर से क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए ताकि फिर से वो इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सके। तो मान लो कि किसी भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम फॉर्म पे आ चुका हुआ, अगर आप उसमें से कोई भी चीजों को चेंज कर रहे, चाहे टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, किसी भी चीज को चेंज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीजें चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। अभी इक्विलिब्रियम है लेकिन कोई चीजें को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम पे वो नहीं रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे आना जरूर चाहेगा फिर वापस। अब फिर इक्विलिब्रियम को पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीजें उसके अंदर चेंज करोगे उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। इसी तरीके से हम लोग को लिजिट लियर्स प्रिंसिपल आपके पास यही बताता है कि ऐसे मान लो कि आपको कोई भी चीजें बनानी है, जैसे मान लो कि किसी चीज का फैक्ट्री लगाना है तो उसमें मान लो कि मेरे को सी का एक फैक्ट्री बनाना है, मान लो सी के प्रोडक्शन को करना है, सी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो सी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको ये चीजें चेक करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पर हमारा रिएक्शन आ चुका है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पर अगर हमारा रिएक्शन अगर आ गया तो फिर हमारे पास सी के प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि यहीं पर रिएक्शन आके फिर रुक जाएगी, आगे रिएक्शन बढ़ेगी ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास सी का प्रोडक्शन मैक्सिमम निकल सके, तो मैक्सिमम निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और भी ज्यादा अमाउंट में मिले हमको। तो इसी के लिए हम लोग लिजिट लियर्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं। लिजिट लियर्स प्रिंसिपल आपको ये चीजें बताती है कि जो चीजें को अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए। एक रिएक्शन आपको देखते होंगे करवाने के लिए कुछ प्रेशर भी रहता है, कुछ टेम्परेचर भी रहता है, उसके कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी लेके चले जाते हैं। तो वो सब चीजें क्यों है, क्योंकि उस चीजों पर क्या होती है कि आपके पास जो भी चीज हम लोग बना रहे हो तो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाती है। तो सिंपल सा बस याद रखो कि लिजिट लियर्स प्रिंसिपल वो काम करता है कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आने के बाद अगर उसके अंदर आप किसी भी चीज को चेंज करेंगे, किसी भी चीज को बदलेंगे, तो इक्विलिब्रियम हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर आपने जो भी उसको चेंज किया उसको बैलेंस कर सके, आपको चेंज को पूरी तरीके से वो निग्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे सिंपल से मान लो कि एग्जांपल अगर दें जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहा था आराम से, ठंडा का समय आ गया तो सब लोग मालूम रजाई ओढ़ के सो रहा होगा। तो अगर मान लीजिए कि नहीं तो एक मिनट, गर्मी मान लीजिए कि अभी गर्मी है ठीक है, रजाई को मान लो कि आप लोग एक चादर ओढ़ के सोए हुए हो और मान लो कि आपको उठाने के लिए घर में मान लो किसी ने क्या कर दिया, फैन ऑफ कर दिया। अभी आप सो रहे हो तो आप पूरी तरीके से क्या इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम उसी स्टेट में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। डिस्टर्ब करने के लिए कोई क्या करेगा, मान लीजिए आपका फैन बंद कर दिया, तो फैन बंद कर दिया तो अपने आप को फिर आप बैलेंस करें क्योंकि आप फिर आप दौड़ के नहीं सो सकते हैं और आपको गर्मी में फील होगा, तो फिर से तुम वही स्टेट पर पहुंचने के लिए क्या करोगे, जो भी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़े होगे उसको क्या करोगे, फेंक दोगे फिर, ताकि गर्मी जैसे लग रहा होगा फिर से वही चीजें फिर वापस बैलेंस हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं अपने आप को फिर से उसी पोजीशन में लाने के लिए, फिर से वही चीजें फील होता कि हम आराम से सो सकें, हमने आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वो ब्लैंकेट हटा देंगे। नहीं तो मान लो कि टेम्परेचर और भी ज्यादा अगर ठंडा उड़ा दिया जाए, एसी का टेम्परेचर और कम कर दिया जाए,
तो वहां पर क्या करिएगा, और भी आप दो ब्लैंकेट और लीजिएगा ताकि अपने आप को सही स्टेबल उसी पॉइंट पर ला सके जिस पॉइंट पे आप सो रहे थे। तो हर एक दुनिया का हर एक सिस्टम चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच गए, वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए उस पॉइंट पर वो पहुंचना चाहता है। तो स्टेबल पॉइंट पर जाने के लिए वो क्या करता है, स्टेबल पॉइंट पर पहुंचने के लिए अगर आप उसके अंदर जो भी चीजें चेंज करोगे उसको वो बैलेंस करेगा ताकि वो फिर से वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ सके, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट माना जाता है। तो सेम काम रिएक्शन के अंदर भी होगा। चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे इसके अंदर एग्जांपल देके हर एक कंडीशन पे कब चेंज करेंगे, तो रिएक्शन कहां मूव करेगा कहां नहीं मूव करेगा। लिखो बच्चे, लिखो यहां से डेफिनेशन इसकी, लिखो तो इफ ए सिस्टम, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम If a system at equilibrium is disturbed, by changing, the reaction condition, that is change in moles, volume, concentration, temperature, etc. Then the equilibrium will shift. Then the equilibrium will shift that direction in which the effect of change is न्यूट्रलाइज्ड। और नलिफाइड, यही होता आपके पास लिचेटलियर्स प्रिंसिपल, यही बताता आपको है। कोई भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आपने उसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने का आप क्या क्या तरीका है, जैसे आपको डिस्टर्ब करने का तरीका हम बता दिए, लेकिन सिस्टम को डिस्टर्ब करने का क्या तरीका होगा, तो या तो आप चेंज कर देंगे रिएक्शन कंडीशन को, रिएक्शन कंडीशन का मतलब है या तो आप चेंज कर देंगे मोल्स को, वॉल्यूम को चेंज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, प्रेशर को चेंज कर दो, इसमें से अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो इक्विलिब्रियम आपका विरोध करेगा। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपोज करेगा, और इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में आपने जो भी उसके अंदर चेंजिंग किया है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर सके। तो कुछ वही चीजें जो हम बता रहे थे आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स पे भी है, रिएक्शन के भी एग्जांपल्स पे वही हो रहा होता है। अब सी के मान लो कि आपने सी के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिए तो इक्विलिब्रियम हमेशा अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां से सी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। अगर आपने ए के मोल्स को कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम हमेशा वो हमेशा चाहेगा कि अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करे जहां पर ए के मोल्स को इंक्रीज किया जा सके। तो इक्विलिब्रियम जो भी आप करेंगे आपका अपोज करेगा, आपको हमेशा उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करना होता है। तो आप देखते हाँ बोलो, अगर आप सी के कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां से सी के मोल को कम किया जा सके। तो सी के मोल्स को कम करने के लिए क्या करेगा, फिर रिएक्शन इधर सी से डीकंबाइन होकर फिर ए में चला जाएगा। तो इसलिए आप जो भी चीजें करेंगे उसको बैलेंस करेगा रिएक्शन, इसी को बोलते हैं बोलो रिएक्शन शिफ्ट करेगा, जिससे कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएगा चाहे प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाएगा, अपने आप को बैलेंस करेगा। एक एग्जाम्पल सब पे लेके समझाएंगे समझ में आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि
भाई मान लो कि अगर मुझे सी के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना होगा, ठीक है, तो हमें ये चीज पूछ रहा होगा कि बताओ कि इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट करें, इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट मतलब किस कंडीशन में प्रेशर क्या रखें, कॉन्सेंट्रेशन कैसा रखें, टेम्परेचर कैसा रखें, मोल्स के नंबर क्या रखें, किसके मोल्स को ज्यादा रखें, किसके मोल्स को कम रखें, यही चीजें बताएंगे हम लोग इसमें। ये तो पहले आप जान लीजिए होता क्या है, अभी ये काम कैसे होता है वो सब चीजें हम बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ आपको ये बताएं कि चिटलेट प्रिंसिपल कहता क्या है। अब एक एक टर्म आपको देख के समझा रहे हैं इसमें, सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, फिर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, वॉल्यूम्स, प्रेशर, टेम्परेचर्स, हर एक कंडीशन के ऊपर देख के बता रहे हैं। चलो चलो, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट लिख लो सब लोग, इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ ए सब्सटेंस। चलो इसको अच्छे से समझना क्या इफेक्ट है। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज करो मान लो ये रिएक्टेंट है और इधर आपके पास है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब क्या किया जा रहा है इसके अंदर है, अब मान लीजिए इस रिएक्शन के अंदर हम लोग अभी इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन है, अब ये कोई डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करेगा, ये नहीं चाहेगा कि हमको कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन आपने इसको डिस्टर्ब करने का प्लान कर लिया है। क्या प्लान कर लिया, तो एडिशन करके क्या एडिशन करना, आपको मान लीजिए कि रिएक्टेंट के अमाउंट को ऐड करना है या फिर मान लो कोई सब्सटेंस के अंदर ऐड करना है, तो जैसे मान लो कि हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, सपोज करो कि आपने रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देकर अभी इक्विलिब्रियम पर है, आपने इसको बढ़ा दिया, तो फिर ये रिएक्शन अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा, ये रिएक्शन अपने आप को वहां लेके जाएगा जहां पर रिएक्टेंट को कम किया जा सके। अब रिएक्टेंट को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या करेगा, जल्दी से कंबाइन होकर ज्यादा ज्यादा कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आप इसके अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा इसके अमाउंट को कम करना, इसके अमाउंट को कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगा, तो इधर जाएगा जहां पर आपके पास रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सके। तो बोलेंगे कि आपके पास रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा वो कहां होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो जाने को कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का देखो हमारा कहने का मतलब यहां पर क्या है, आपके पास प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, जो भी यहां प्रोडक्ट हो रही है उसकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर आपको प्रोडक्ट अमाउंट को अगर ज्यादा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा अमाउंट में बने, तो क्या कर दो, इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके पास अब जानते हो कि कभी रिएक्शन रुक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन को रुक गया तो आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बन सके, अब प्रोडक्ट को आपको ज्यादा बनाना है, उसी के मानो आपको कुछ काम करना होगा, तो प्रोडक्ट के ज्यादा बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ बढ़ा दीजिए, इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन रुक गया, आपने रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा के रखेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करेगा, इसको फिर से बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने के लिए आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा वो, और कम करने के लिए क्या करेगा वो, रिएक्टेंट से क्या होगा प्रोडक्ट जल्दी, ये क्या होगा, रिएक्टेंट के अमाउंट ज्यादा तो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, मतलब ये रेट थोड़ी फास्ट हो जाएगी और फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन जो होती है प्रोडक्ट की वो थोड़ी इंक्रीज हो जा रही होती है। तो बाहर एक फायदा भी तो है, अगर हमको प्रोडक्ट के अमाउंट को अगर ज्यादा रखना है तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे रिएक्शन के अमाउंट को ज्यादा रखें इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, ताकि रिएक्शन डिस्टर्ब नहीं हो, रिएक्शन मतलब डिस्टर्ब करने मतलब है कि रिएक्शन को हम थोड़ा फास्ट भी कर सके। अब देख रहे हो कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी जा रहा है, तो रिएक्शन फिर से वापस भी चलेगा, तो हमको ये चीजें कैसे मिलेंगी, जो रिएक्शन के अंदर मान लो कि रिवर्सिबल केसेस आ गया, उस केसेस में तो हमको प्रोडक्ट के अमाउंट कम मिलने लगेगा फिर, और हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा खासा प्रोडक्शन हो, और अच्छा खासा प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, तो रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट फिर आसानी से हमको मिल सके, नहीं तो फिर क्या होगा, रुक जाएगा रिएक्शन पूरा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि आपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर मान लीजिए आपने डिक्रीज कर दिया, अब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आपने इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आने के बाद, इक्विलिब्रियम पोजिशन के बाद आपने रिएक्टेंट के अमाउंट को और कम कर दिया,
तो रिएक्टेंट के अमाउंट को कम करने से क्या होगा, रिएक्टेंट के अमाउंट को इक्विलिब्रियम बढ़ाना चाहेगा। अब इक्विलिब्रियम चाहता है कि आपके पास एक रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़े, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से इक्विलिब्रियम अपने आप को सेट करने के लिए प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि फिर से वो इक्विलिब्रियम गेन्स कर सके। तो इसलिए यहां पर जो रिएक्शन होगा बच्चे लोग, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यानी यहां जो आपके पास रिएक्शन होगी, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, हम लोग तो ये भी काम कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के अमाउंट को भी कम बेसी कर सकते हैं, वो भी सेम चीज है। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, अगर प्रोडक्ट के आपने अमाउंट को बढ़ा दिया, तो कुछ देखो फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अपने प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, इसके अमाउंट को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेंगे, कुछ तुम लोग दिमाग लगाओ, तुम लोग यहां बता सकते हो। जैसे मान लो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। एक बार क्या, रिएक्टेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट के केसेस में बता रहे हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट के अमाउंट को अगर इंक्रीज कर दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इसके अमाउंट को बढ़ा दिया, इसके अमाउंट को कम करना चाहेगा, सीधे कम करने के लिए रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। या फिर आपने प्रोडक्ट के अमाउंट को भी अगर कम कर दिया, तो रिएक्शन हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। इसके अमाउंट को कम करोगे, इसके अमाउंट को फिर से बढ़ाना चाहेगा वो, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ये सब चीजें आपको जाननी पड़ती है। कोई भी अगर सब्सटेंस को ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो ऐड करेंगे रिमूव करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे आपसे इफेक्ट का मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, मतलब उससे आपको रिएक्टेंट के अमाउंट ज्यादा मिलेगा या प्रोडक्ट के अमाउंट को ज्यादा। आपको जो भी चीजें, अगर मान लो कि अगर आपको प्रोडक्ट के अमाउंट को ज्यादा बढ़ाना है, और आपका ऐसा इक्विलिब्रियम है कि आपका ऐसा कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम पर आ जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन हो गया स्टॉप। अब स्टॉप को बढ़ाने के लिए रिएक्टेंट को, सॉरी आपका प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो यही सब चीजें होती हैं, कैसा वर्क किया जाए। तो लिख सकते हो लास्ट में एक लाइन इसके बारे में, इफ रिएक्टेंट इज एडेड और प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, इफ रिएक्टेंट इज एडेड और प्रोडक्ट इज रिमूव्ड, चाहे रिएक्टेंट को ऐड करो, इसको ऐड कीजिए, या प्रोडक्ट को क्या कीजिए, आप कम कीजिए, तो दोनों ही कंडीशन में बताओ तो रिएक्शन जो आपके पास होगा किधर डायरेक्शन मूव करेगा, रिएक्टेंट को कम या प्रोडक्ट को रिमूव कर। इसके अमाउंट को कम क्यों, तो इधर जाएगा। रिएक्टेंट के अमाउंट को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो फिर से इसी में कन्वर्ट होगा, यानी रिएक्शन होगा आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और सेम कंडीशन आप दूसरा लिख लीजिएगा यहीं पर, इफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड और प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, तो उस केस में आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस को ऐड करेंगे रिमूव करेंगे तो क्या पड़ता है इफेक्ट किसी भी इक्विलिब्रियम पे पोजीशन पे आने के बाद, वो हमारा लेजेंड थ्योरी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद एक नोट से याद रखना पड़ेगा हमें। नोट से याद रखिए इसमें, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, या नो इफेक्ट बोल सकते हो, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए सॉलिड। एक चीज एक और आप ध्यान रखना होगा इस रिएक्शन के अंदर, आप किसी भी रिएक्शन के अंदर सॉलिड के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, सॉलिड ध्यान रहे
कि सॉलिड में एडिशन से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आप कोई सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तो सॉलिड सब्सटेंस को ऐड करने से आपके पास इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन क्या देखिए, ये जो आपके पास जो सॉलिड है ठीक है, उसके लिए हमको प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह चाहिए होगा। तो सॉलिड चीज मान लो अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा उसके अंदर? सॉलिड चीज को बढ़ाने के लिए हमको उसको फिर ब्रेक करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है उसके अंदर। गैसेस है तो मान लो कि प्रेशर को कम बेसी करोगे तो गैसेस अपने आप सही डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक सॉलिड के अंदर आप कुछ भी चीजें अप्लाई कीजिएगा, प्रेशर वगैरह ये सब चीजें से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो लीजिए ट्रिएस प्रिंसिपल आपका भी काम करता है गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज्यादातर। सॉलिड्स के ऊपर अगर इसके अंदर ऐड भी कर दे हम लोग, ध्यान समझना है, रिएक्शन मान लो कि CaCO3 कन्वर्ट हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के बाद अगर आप उसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल्स ऐड करेंगे तो इसके अंदर किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर वो सॉलिड होगा तब। ये लीजिए ट्रिएस प्रिंसिपल के अंदर हम लोग मानते हैं। सिर्फ क्या होता है इसके अंदर, इक्विलिब्रियम यहां पर भी आएगा, अगर एक क्लोज कंटेनर होगा तो इक्विलिब्रियम यहां पर भी अचीव होगा। रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ा दें या रिएक्टेंट के अमाउंट को कम कर दें, तो अमाउंट को हो सब्सटेंस को बढ़ाने घटाने का, फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को, दोनों का मीनिंग यहां पर एक ही था। सेकेंड इफेक्ट बता रहे हैं, अगर मान लो कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर बात करें कि प्रेशर के अंदर कहां से इफेक्ट आएगा, चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर एक रिएक्शन को अगर हम लोग देखा जाए तो प्रेशर किस किस बातों पर डिपेंड करता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि भाई फिर से वापस एक रिएक्शन है, चलो प्रेशर अगर बात कर रहा है तो सीधी सी बात है ना, आपके पास रिएक्शन होना चाहिए सीधे गैसियस मोल्स, वरना प्रेशर सॉलिड के ऊपर तो काम करेगा नहीं, लिक्विड के ऊपर थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेशर जब भी बात होता है तो गैसेस के ऊपर ही बात होता है। तो ये सब चीजें हम लोग को समझना पड़ेगा कहां पर किसका इफेक्ट आ सकता है। या देखो अगर देखा जाए इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि 1 मोल ए है, 2 मोल आपके पास बी है और 3 मोल आपके पास सी है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मान लो कि मैंने अगर मान लो प्रेशर को बढ़ा दिया सपोज, तो प्रेशर को बढ़ाने से इसमें क्या इफेक्ट होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, क्या बैकवर्ड में या फिर फॉरवर्ड में? अगर हमको बनाना है बी या सी के अमाउंट को अगर ज्यादा बनाना है तो हमको तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन चाहिए फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में जाने के लिए हमें प्रेशर को कम रखना पड़ेगा या ज्यादा रखना पड़ेगा, इस चीज को कैसे मालूम करें? तो देखो पहले अगर हमने मान लो कि प्रेशर को अगर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर कभी भी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट करेगा, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम वहां पर जाएगा। ऐसे लोग जानते हैं कि एक मिनट को ध्यान से, पीवी जो होता है एनआरटी होता है, एनआरटी के इक्वल होता है ठीक है। अगर पी और हम लोग सिर्फ एन में रिलेशन देखें, तभी आप एन के साथ समझा रहे हैं, पी और हम लोग एन के रिलेशन में देखें तो इसका मतलब है कि प्रेशर आप बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है आपके पास से नंबर ऑफ जो गैसियस जो मोल्स होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम कम होगा तो ऐसा लगेगा कि आपके पास जो मोल्स हैं ठीक है वो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं। हालांकि मोल्स के जो भी गैसियस मोल्स है वो तो अभी भी सेम ही है, लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो एक चीज हमेशा रखना कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पर शिफ्ट करेगा जहां पर लोअर मोल्स है,
या फिर बोल सकते हो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल. प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पर क्या बताएं, जहां पर नंबर ऑफ गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे. तो यही आपके पास प्रेशर के इफेक्ट होते हैं. अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, पहले आप ध्यान रखिए उसको मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूं कैसे होगा. प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा कि जहां पर लोअर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो, गैसियस मोल्स, ध्यान रखिएगा. और अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट करेगा जहां पर आप कह सकते हो कि हायर मोल्स प्रेजेंट हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स. उसको समझते हैं पहले, इस रिएक्शन के थ्रू भी समझेंगे और भी एग्जांपल लेंगे इस पे. जैसे मान लो कि ये हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन में हमने अगर मान लीजिए कि प्रेशर को कर दिया कम, तो प्रेशर को बच्चे लोग अगर कम कर दोगे तो यहां देखो प्रेशर जब भी कम होगा तो इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर मोल्स के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे. तो मोल्स के नंबर ज्यादा कहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ए के मोल से वन, अब बी और सी के मोल्स आपके पास है टू, टोटल इधर फाइव मोल्स है, इधर वन मोल्स है, और आपने प्रेशर को कम कर दिया. तो प्रेशर को वह कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम चाहेगा कि आपके प्रेशर को फिर से बैलेंस किया जाए, और बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर हायर मोल्स प्रेजेंट होंगे. इसका क्या रिलेशन है, तो देखो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन समझाते हैं, फिर प्रेशर मोल्स समझ में आ जाएगा रिलेशन अपने आप. हमें पता है कि PV इज इक्वल टू, अगर हम एनआरटी से देखें तो P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है वॉल्यूम. अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबको मालूम है प्रेशर बढ़ाओगे, यहां पर आपके पास प्रेशर लगा हुआ है, इसको बढ़ा के अगर आपने यहां कर दिया तो वॉल्यूम तो कम हो गया. यहां पर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, घटाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन मोल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं है. इसके अंदर जितने गैसेस मोल्स प्रेजेंट है वो पहले भी थे, अभी भी हैं, क्योंकि एक मिनट रुकिए, हमने इसके मोल्स के ऊपर बात करें. अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स बटे में वॉल्यूम होता है. अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखे तो यहां पर एन बाय वी भी आता है. तो वॉल्यूम अगर कम हो गया, ध्यान समझना, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर को इंक्रीज करने से, मोल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं. लेकिन अब देखो इसको कैसे समझना है, कैसे अगर मान लो कि वॉल्यूम तुम्हारे पास कम हो गया तो हमें क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम को क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम को ये लगेगा कि आपके पास वॉल्यूम्स कम हो गए, यानी कि प्रेशर आपने अगर बढ़ा के रखा है तो प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा, जो भी यहां से वैल्यू निकल के आएगा एन बाय वी का जो मान आएगा, इसको कम करने से वॉल्यूम का अगर आपके पास कम होगा तो एन बाय जो वी का मान आएगा वो ज्यादा होगा. तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि वहां पर क्या है, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है. तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. और ये इसको हम लोग क्या करें, इक्विलिब्रियम को ऐसा लगेगा कि आपने जो भी किया मोल्स के साथ काम किया है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वॉल्यूम अपने आप से बैलेंस नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करेगा, मोल्स में काम कर रहा होता है. तो मोल्स में कैसे काम करेगा, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां लेके जाएगा जहां पर वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सके. तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए आपके पास मोल्स के नंबर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है. यहां समझो ध्यान से, प्रेशर को इंक्रीज कर दिए तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम घटता है. वॉल्यूम घटता है तो अब ये क्या चाहेंगे हम लोग, वॉल्यूम को तो खैर नहीं बढ़ा सकते इसके अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो आपके मोल्स के नंबर को क्या करना पड़ता है, मोल्स इक्विलिब्रियम को हमको वहां शिफ्ट करना पड़ता है जहां पर इसकी वैल्यू कम से कम है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर ज्यादा रहेगी तो फिर से क्या होगा, प्रेशर तो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा, तो कम करने के लिए देखिए इसको बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू तो पहले से ही छोटा हो गया होगा,
तो इसके वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल्स को वहां पर शिफ्ट करेंगे, मतलब गैसियस या रिएक्शन बोलते हैं वहां शिफ्ट होगा जहां पर लोअर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोल्स की वैल्यू होने चाहिए कम वहां पे, तभी जाके आपके पास रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। या फिर ऐसे समझो कि मान लो प्रेशर को आपने कम कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम रिलेशन दिया गया है, तो वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है कि प्रेशर कम करने से रिएक्शन वहां पर जाएगा जहां पर उसके पास मोल्स क्या होंगे, जहां पर उसके पास मोल्स ज्यादा होंगे, यानी कि हायर मोल्स। जैसे रिएक्शन के अंदर यहां समझना ध्यान से, अब एक रिएक्शन के ऊपर ही वैसे बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर प्रेशर कम कर दिए इस रिएक्शन के अंदर, मान लो रिएक्शन बना हुआ तो कुछ प्रेशर लिए होंगे, इस रिएक्शन के अंदर मान लो हमने प्रेशर को कम कर दिया। अब प्रेशर को कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर को बैलेंस करना पड़ेगा। अब प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग वहां शिफ्ट करेंगे जहां पर इसके प्रेशर को बढ़ाया जा सके। तो प्रेशर कम करोगे तो ध्यान से रखना कि वॉल्यूम बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम वहां पर जाएगा जहां पर हायर मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो हायर मोल्स यहां पर 1 मोल्स है, यहां पर आपके पास 5 मोल्स है, तो रिएक्शन खुद ही क्या चला जाएगा, बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, रिएक्टेंट को आपको रिएक्शन को देख के ही बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को ऐड करते रिमूव करते तो समझ में आ गया कि कहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन को देख के मालूम करना पड़ेगा किधर गैसियस मोल्स ज्यादा है किधर गैसियस मोल्स कम है। अगर रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स कम है, अगर आपने प्रेशर अगर बढ़ाया है तो प्रेशर बढ़ाने से हमेशा लोअर मोल्स की तरफ आपके पास खुद ही चला जाएगा रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन के थ्रू अगर हम बात करें तो प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट होगा जहां पर देखो कि लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट है तो मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर कम मोल्स है उसको लगेगा कि आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो उसको लगेगा कि एन बाई वी की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो एन बाई वी की वैल्यू ज्यादा को कम करने के लिए क्या करेगा, वो मोल्स को ही कम कर देगा, मोल्स को कम कर देगा तो फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा आपके पास। और अगर मान लो कि प्रेशर को आपने अगर कम कर दिया, तो प्रेशर को अगर कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम फिर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को लगेगा कि आपने प्रेशर को कम कर दिया, एन बाई जो आपके पास जो वी यानी PV is equal to आपके पास जो NRT की जो इक्वेशन है, रिस्पेक्ट टेम्परेचर को मान लो मैंने फिक्स करके काम किया हुआ, R कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर N by V की वैल्यू के ऊपर सब काम होता है। तो अगर तुम्हारा प्रेशर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम को लगेगा कि यहां पर क्या होंगे, मोल्स कम होंगे। अगर मोल्स कम होंगे तो अब वो क्या करने की स्टार्ट कर देगा रिएक्शन में, अब वो मोल्स को बढ़ाने लगेगा, अब देखेगा कि मोल्स किधर ज्यादा बढ़ेंगे उसी की तरफ वो रिएक्शन भागने लगेगा। तो रिएक्शन में देख रहे हैं कि मोल्स है प्रोडक्ट साइड आपके पास, प्रोडक्ट साइड है मतलब रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड, चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल डेली लाइफ वाला, जैसे मान लो कि आपको अमोनिया गैस बनाना है, N2+3H2 ये भी गैसेस है, 2NH3 ये भी गैस है बच्चे लोग, ये भी गैस है और अमोनिया गैस है। और क्वेश्चन अगर हमने पूछ दिया बताओ कि रिएक्शन में मुझे प्रोडक्शन करवाना है NH3 गैसेस की, ज्यादा अमाउंट में लेके आना है, इक्विलिब्रियम पे आके रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो हम चाहते हैं NH3 के अमाउंट अच्छा खासा में मिले, ज्यादा अमाउंट मिल सके, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि प्रेशर को क्या रखे, कम रख के चले या ज्यादा रख के चले। तो तुमको देखो बनाना अमोनिया है, खुद से देखो ध्यान से, बनाना अमोनिया है, इधर मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स है, इधर मोल्स तुम्हारे पास क्या है, 2 है, तो तुमको क्या करना है, तुमको हाइयर मोल्स से कम मोल्स में जाना है, मतलब मोल्स डिक्रीज करवाना है, और मोल्स कम की तरफ जाना है तो प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा। खुद से देखो यहां पे, ये रिएक्शन अगर मान लो कि आप चाहते हैं कि NH3 के अमाउंट ज्यादा मिले, तो NH3 के अमाउंट को ज्यादा मिलने के लिए आपको रिएक्शन वहां शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर गैसियस मोल्स क्या है, कम है, यहां पर दिख रहा है, और गैसियस मोल्स कम हो उसके लिए प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा। तो कुछ देर पहले बताए थे कि अगर आपने प्रेशर को अगर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन वहां जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया तो उसको क्या लगे, इक्विलिब्रियम को क्या लगे कि आपने N by V की वैल्यू को क्या कर दिया है, N by V की वैल्यू को बढ़ा दिया है।
अब एन की वैल्यू को बढ़ा दिए तो एन की वैल्यू को कम करना चाहेगा, और एन की वैल्यू को कम करने के लिए रिएक्शन को कहां लेके जाएगा, तो जहां पर इसके एन की वैल्यू कम बन रही है, तो यहां पर कम बन रही है तो रिएक्शन खुद ही चला जाएगा आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हम लोग हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर अगर अपने प्रेशर को अगर यहां पर अगर कम कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज करोगे बच्चे लोग, तो डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम को लगेगा कि आपने एन बाई वी के वैल्यू को कम कर दिया, एन बाई वी के मतलब आपने मोल्स को कम कर दिया, तो वो फिर क्या करेगा, वो चाहेगा कि फिर मोल्स के वैल्यू को बढ़ा दें, और मोल्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, फिर रिएक्शन को लेकर आ जाएगा बैकवर्ड, क्योंकि यहां पर मोल्स के नंबर ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। उसको ध्यान रखना, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर के क्यों चेंज आता है। एक छोटा सा और भी रिएक्शन को हम दे सकते हैं आप लोगों को समझने के लिए। जैसे मान लो कि आपके पास 2SO2 गैस है और O2 गैस है और ESO3 गैस है, और हम आपसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है कि SO3 गैस का प्रोडक्शन करना, मतलब इसके ज्यादा अमाउंट में तैयार करना है, तो SO3 के ज्यादा अमाउंट को तैयार करने के लिए, SO3 का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रेशर को क्या रख के चले, इसके अंदर लो रख। ध्यान रखना कि जब आपको लाना है इधर, पहले चेक कर लो मोल्स में, इधर 3 मोल्स है, इधर 2 मोल्स है, मतलब आपको कम मोल्स में जाना है, तो लोअर मोल्स तो वही जाएगा जिसके अंदर आपके पास क्या चाहिए, प्रेशर ज्यादा की कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना इधर आपके पास मोल्स ज्यादा, इधर मोल्स कम है, मतलब मोल्स कम में आपको जाना है, तो मोल्स कम में जाना है तो प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जिससे जितनी चीजें बता रहे हैं लास्ट में पूछने के बाद आपको एक रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे सारे इफेक्ट को बताइए, इसके अंदर अगर मुझे SO3 का प्रोडक्शन करना है तो टेम्परेचर क्या रखे, प्रेशर क्या रखे, कॉन्सेंट्रेशन कैसा लेके चले। तो क्लियर हो गया इसके अंदर। अगर मान लो इसी रिएक्शन अगर हम ये भी दे दें, देखो यहां ध्यान से, H2 दे दे प्लस I2 दे दे, दोनों गैस है अभी, और यहां पर बन गया 2HI। ध्यान समझो, H2 प्लस I2 बन गया 2HI, सब गैसेस है मान के चलिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, प्रेशर को बच्चे लोग अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या बताया है, इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट करेगा जहां पर इसको प्रेशर को कम कर सके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो H2 प्लस I2 2HI के केसेस में रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं, तो प्रेशर को घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आपको दिखाई पड़ने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। एक रिएक्शन और देखो, CaCO3 को हीट किए होंगे, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने आपको बोल दिया इस रिएक्शन में मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो कोई इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, देख लीजिए, हाँ गैसेस तो है उसमें, थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर, प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फिर काम करेगा यहां पे, क्योंकि गैसेस हैं यहां पे, तो क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाओगे तो फिर, तो पहले एक बड़ी बड़ी पहले कुछ भी मतलब इसको आप देख लीजिए कि आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर से काम नहीं कर लीजिएगा, तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ गैसेस मोल्स कितना है, बस ये चेक कीजिए आप सिर्फ, आपको कैसे कंपेयर करना है, इसके मोल्स को देख के काम नहीं करना है, यहां पर 2 मोल्स है और यहां पर 1 मोल्स है, वैसा वाला काम मत कीजिए, ये मोल्स के क्या है, इसमें कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा आपका प्रेशर से, सॉलिड है ये। तो एक चीज बताओ, इसमें इधर गैसियस
इधर गैसेस मोल्स कितना हो गया, इधर कितना है, इधर गैसेस तो बच्चे लोग जीरो है ना, कैल्सियम कार्बोनेट तो मार्बल है, ये आपके पास जीरो है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या बता है, रिएक्शन अपने आप को वहां पे प्रोसीड करेगा। रिएक्शन अपने आप को वहां पे प्रोसीड करेगा जहां पर आपके पास उसके उसके इफेक्ट उसके मोल्स को घटाया जा सके। तो कहां जाना चाहिए, हाँ तो देखो यहां पर गैसियस मोल्स वन है, इसके गैसियस मोल्स जीरो है, तो वहां पर पहुंचेगा जहां पर इसे गैसियस मोल्स कम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि बैकवर्ड जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी रिएक्शंस के अंदर सोचना होगा कि अगर रिएक्शन के अंदर प्रेशर को बढ़ाओगे तो क्या बताएं, फिर से बताओ, प्रेशर को बढ़ाएंगे बस सीधे एक बात याद रखना, प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां पर मोल्स कम है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, जहां मोल्स कम होंगे वहां पर रिएक्शन जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि हाँ प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो प्रेशर को बढ़ाओगे तो हम लोग क्या चेक करें यहां पर, इसके मोल्स को थोड़ी ना चेक करना है, प्रेशर को घटाने बढ़ाने से सिर्फ गैसेस मोल्स पे इफेक्ट आएगा। तो यहां पर गैसेस मोल्स है वन, इधर गैसेस मोल्स कुछ नहीं है जीरो है, तो इधर गैसेस मोल्स कम है, तो प्रेशर को बढ़ाने से हम क्या बताते हैं, रिएक्शन वही शिफ्ट होगा जहां पर उसके मोल्स कम होंगे, तो मोल्स कम इधर है, तो मतलब रिएक्शन अपने आप क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों लोग प्रेशर का क्या ही है इफेक्ट उसके ऊपर। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर है टेम्परेचर, उसके बाद आपका लीजिए लेयर्स कंप्लीट हो गया पूरा। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा इजी है, समझ में तुरंत आ जाएगा। टेम्परेचर के देखते हैं क्या इफेक्ट होते हैं लीजिए लेयर्स प्रिंसिपल के ऊपर। चलो पहला इफेक्ट टेम्परेचर को तो पहले हम लोग दो ही तरीके से जानते हैं कि रिएक्शन कैसा आपका है, दो ही तरह का बात होता है, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या तो रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक होगा। तो मोस्टली बच्चे लोग यही रिएक्शन के ऊपर बात होती है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास N2 गैस है, 3H2 गैस है और बना आपका अमोनिया, और यहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो है निगेटिव 92.4 -92.4 kJ। चलो मैं एक चीज तुम्हें बताओ, तो यहां पर NH3 का प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रेशर को क्या रखे पहले ही बताओ, टेम्परेचर हम बारे में बात करते हैं। NH3 मैक्सिमम अमाउंट में मिल सके उसके लिए प्रेशर को क्या रखा जाए, प्रेशर को क्या रखा जाए, तो आपको ये बनाना है, तो आप खुद से देख लीजिए कि इधर ज्यादा मोल्स है गैसेस, इधर कम मोल्स है। अगर यहाँ गैसियस मोल्स कम है तो इसका मतलब है कि आपको कम मोल्स में जाना है, कम मोल्स में जाना है तो प्रेशर बढ़ाना है, सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास है ये दोनों चीजें जो हम बता रहे हैं मोल्स और इसमें। देखो पहले तो ये देख के मालूम करो कि रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। जिसमें बच्चे लोग डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक है। मतलब इसमें से क्या है, हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है। रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहां से हीट बाहर निकल रहा है। तो इसके अंदर देखो हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या इसके अंदर हम लोग आंसर करेंगे। तो पहले बात की जब भी आपके टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे दो ही बात होगा, रिएक्शन कैसा है पहले बात कीजिए। तो रिएक्शन आपका हो सकता है एक्सोथर्मिक हो। अब खुद से देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, अगर रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगा तो वहां से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज मतलब वो हीट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, यही इसका मतलब हुआ। अगर वो हीट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो फेवरेबल कंडीशन बात करते हैं, कि फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई एक्सोथर्मिक रहे तो उस कंडीशन, मुझे मालूम है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहां पर हीट रिलीज हो रहा है,
तो उस कंडीशन में हम क्या करें, टेम्परेचर को कम करके चले या टेम्परेचर को ज्यादा रख के चले, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमोनिया अच्छा खासा हमारे अमाउंट बन सके। और अच्छा खासा अमाउंट को बनने के लिए आपके पास अमोनिया का जो रिएक्शन हो रहा है वहां पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हीट जिस रिएक्शन में पहले से रिलीज हो रहा है तो वहां का अगल बगल का एटमोस्फेयर पहले से गर्म हो गया होगा, तो उसमें हमको टेम्परेचर को क्या करके चलना पड़ेगा, कम करके चलना पड़ेगा ताकि आप अच्छा खासा अमोनिया को बना सके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखना कि टेम्परेचर को क्या करते हैं, लो रख के काम करते हैं, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवाना पड़ता है हम लोग को, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, या फिर डिक्रीज मत बोलो, शॉर्ट में बोलो इसको लो बोलते हैं, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवा सकते हो। आपको जिस रिएक्शन में ऑलरेडी हीट जनरेट हो रहा है उस रिएक्शन में इसको हीट चाहिए नहीं, हीट नहीं चाहिए तभी तो हीट वो बाहर निकाल रहा है, वो हीट पहले से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो आप उसके अंदर और हीट देंगे तो क्या होगा, आप रिएक्शन को एक तरीके से जैसे मान लो कि इसके अंदर आप और टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करा दोगे इस रिएक्शन के अंदर, तो चाह नहीं रहा है कि वो हीट को रखना चाहता नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं उस टेम्परेचर के अंदर और हीट दिए जा रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग अमोनिया के मैन्युफैक्चर में क्या कर रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते, ये नहीं चाहता रिएक्शन के अंदर आगे हीट भी निकले, हीट रिलीज कर रहा है, तो हीट रिलीज जो कर रहा है सब्सटेंस उसको याद रखना मेंटेन करने के लिए कम बजट पर रिएक्शन को बनाने के लिए आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है। अगर लो नहीं रखोगे तो अगल बगल का हीट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि फिर उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे याद रखना, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे आपके पास प्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, हाई टेम्परेचर यहां पर होगा तो बोल देंगे विल नॉट फेवर दिस रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन में हाई टेम्परेचर यूज नहीं हो सकता है। फिर देखिए आप, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मान लो यही चीज अगर टेलर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे होते हैं, किसी के ऊपर काम है, ये एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरीके से, कि कोई भी चीजों का प्रोडक्शन करना है तो किस तरह से हाई रखे किस तरह से कम रखे, तो आपको फैक्ट्री किस चीज को बनाना लगाना तो आप देखते हो आप हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर वहां काम कैसे करोगे। इसलिए एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के अंदर आप जब भी मालूम चले कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करके आप रिएक्शन को करवा सकते हैं। और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, और हीट यहां पर क्या होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब होगा बच्चे लोग तो इसका मतलब है इसको हीट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हीट चाहिए। अब इसको हीट चाहिए तो हीट दे दीजिए इसको, मतलब इसको हॉट टेम्परेचर दे दीजिए फिर, तो याद रखना है इसमें जो टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन को काम करना पड़ता है, जिसके अंदर हीट ही चाहिए ताकि हीट लेके वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हीट दोगे तभी वो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हीट के लिए मतलब टेम्परेचर को बढ़ा के रखना पड़ेगा तभी आपके पास वो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी याद रखना इसके अंदर कंडीशन पे बात किया जाए इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर, तो हमेशा आप चेक कीजिए कि रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन जिस तरीके से रहेगा फिर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना पड़ेगा। रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन को हमेशा लो टेम्परेचर पे कराइए। अब लो टेम्परेचर को कराने का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, एक हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट को मेरे को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट किधर जाएगा आपके पास, तो लो टेम्परेचर के लिए आपके पास रिएक्टेंट जो होना चाहिए विल फेवर हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। जैसे एग्जांपल दे मिटा रहे इसको, पहले तो दोनों चीजें याद रखना, एक्सोथर्मिक जब भी कंडीशन होगा टेम्परेचर लो होना चाहिए, एंडोथर्मिक की कंडीशन में टेम्परेचर को हाई रखना चाहिए। याद एक रिएक्शन, इस रिएक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, आपके पास ये जो रिएक्शन है दिख रहा है N2+3H2 हरारक बाद 2NH3 अमोनिया बंद में, यानी कि बोल सकते हो कि जब हीट सप्लाइड करेंगे इसके अंदर तो N2+3H2 से मिल रहा है आपके पास अमोनिया गैसेस बाहर निकल रहा है, और साथ में लिख सकते हो कि इतना हीट भी रिलीज कर रहा है 92.4, और वापस अमोनिया इतना हीट को एब्जॉर्ब करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तब जाके इक्विलिब्रियम पर पहुंचा है। हीट को सप्लाई करोगे वो हीट को कम करना चाहेगा, हीट को कम करने के लिए मतलब हीट को ऑब्जर्व करना चाहेगा, अगर वो हीट को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेगा, तो देखेंगे यहां पर हीट को ऑब्जर्व इधर से हो रहा है तो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में काम करेगा। एक और देखो रिएक्शन तुम लोग को हम दे रहे हैं, N2 है प्लस O2 गैस है और यहां पर 2NO गैस बन रहा है,
और यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू आपके पास है वो 180.7 है प्लस किलो जूल। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताओ आपके पास इसके अंदर अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया, इंक्रीज टेम्परेचर या हीट को बोलो हीट सप्लाई, इंक्रीज टेम्परेचर क्या मतलब है, हीट सप्लाइड किए, तो हीट सप्लाइड करने पर आप चेक करो कि रिएक्शन कहां प्रोसीड करेगा, रिएक्शन को ध्यान से देखिए, रिएक्शन आपके पास किस तरह का रिएक्शन है, यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब हीट यहां पर एब्जॉर्ब हुआ है, तो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तब हीट बच्चे लोग एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रोडक्ट जाने में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब ये एंडोथर्मिक है, तो वापस जब आप इधर से अपोजिट आएंगे तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो हीट को कम करना चाहेगा रिएक्शन, अब हीट को कम करने के लिए क्यूबियम क्या करेगा, आपने जो हीट को इंक्रीज किया वो उसको कम कर वो एब्जॉर्ब करने की चाहेगा और देखेगा एब्जॉर्ब किस कंडीशन पे हो रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी एक टेम्परेचर के ऊपर बात होता है तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पहले चेक कर लेते हैं क्या है, उसके बाद लो टेम्परेचर फेवर कर रहा है कि हाई टेम्परेचर होगा वो देख लेना, उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि रिएक्शन किधर प्रोसीड होगा टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से, तो पहले देख लो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, हीट एब्जॉर्ब है कि हीट आपके पास रिलीज हो रही है, तो उसको देखने के बाद तब फाइनल कंडीशन में देंगे आंसर कि हाँ यहां पर इस तरह का कंडीशन यूज करना पड़ेगा लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट लेजिट लियर्स प्रिंसिपल, किसमें बोलो इसमें तुम बात किए आप सही बता रहे हैं, इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो रिएक्शन था वो इंडोथर्मिक था, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो बढ़ाने से क्या होगा, फिर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बच्चे लोग हम कुछ इसके एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसको आप लोग क्या करेंगे बना के लाएंगे, या फिर देखो अगर यहीं पर बता सकते हो तो बता सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ लिजिट लियर्स। एप्लीकेशन बच्चे लोग आपके पास ये है कि हमको अमोनिया गैसेस का मैन्युफैक्चर करना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और वो भी कौन सा, तो बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसका नाम दिया गया, जिससे अमोनिया गैसेस का मैन्युफैक्चर की जाती है, मतलब ज्यादा अमाउंट में इसको प्रिपेयर करते हैं। अब ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करने के लिए बच्चे लोग क्या क्या करना पड़ता है वो आपको बता रहे हैं, N2 गैस है, 3H2 ये भी गैस है, ध्यान रखिएगा 2-3 गैसेस है, सब गैसेस ही रिएक्शन है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है वो भी बता रहे हैं, -92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। और आपको क्या करना है, तीन कंडीशन के ऊपर बात करना, फर्स्ट तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, किस तरह से रखे हम लोग इस रिएक्शन, हम चाहते हैं कि अच्छा खासा अमोनिया मैन्युफैक्चर हो, दूसरा प्रेशर क्या लेके चले, और सी में बात किया जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन का कैसा लिया जाए, कम लेके चले या ज्यादा लेके चले। तो इस पर कंडीशन बताओ, तो इसमें टेम्परेचर अगर हमको NH3 याद रखना, NH3 को प्रोड्यूस करना है, NH3 का अमाउंट ज्यादा प्रिपेयर होनी चाहिए, तो उसके लिए टेम्परेचर को यहां पर कम रख के चले या ज्यादा रख के चले। रिएक्शन बच्चे अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज कर रहा है, आपको हीट एब्जॉर्ब करवाना है, तो हीट एब्जॉर्ब करवाने के लिए लो टेम्परेचर पर रिएक्शन को कराओ, लो टेम्परेचर का मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर यहां पर आपको डिक्रीज करके चलना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करके चलोगे तब जाके यहां पर बात बनेगा, नहीं तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो देख रहे हो कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इधर से वापस आना, टेम्परेचर को बढ़ा के काम करोगे टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा, टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए देख रहे हो कि प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आने लगेगा, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज कराओ, या लो टेम्परेचर आपके पास क्या करेगा, ये हाइएस्ट अमाउंट ऑफ NH3 देने के लिए लो टेम्परेचर फेवर होगा, फेवर कंडीशन रखेगा, फेवरेबल कंडीशन पूछ जा सकता है, पूछ सकता है तुमसे कि अमोनिया के मैन्युफैक्चर बताओ फेवरेबल कंडीशन क्या, टेम्परेचर को क्या रखे चले,
फिर प्रेशर को देखो तो हमको अमोनिया बनाना है, तो प्रेशर को क्या रखे चलें, ज्यादा रखें या कम रखें? यहां देखो मोल्स, देखो मोल्स 4 है, मोल्स 2 है, कम में जाना है, कम मोल्स में जाना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। अब चाहते हैं कि हम लोग अमोनिया का ज्यादा अमाउंट लेके चले, तो हम किसके अमाउंट को बढ़ाएं, किससे अमोनिया के अमाउंट बढ़े, किसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करें? अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखिए अभी इक्विलिब्रियम पे है, अगर आप इसमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, उसके लिए इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो जाना है। अगर आप प्रोडक्ट के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो फिर वापस इसमें इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको फिर वापस बैलेंस कर देगा N2O3S2 के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन के केसेस में बात करेंगे तो अमोनिया गैसेस को अगर ज्यादा बनाना है तो क्या करेंगे, N2 के कॉन्सेंट्रेशन या फिर H2 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाओगे तो ये इसी को बढ़ाने लगेगा, फिर तब तो आपका बन चुका अमोनिया, अमोनिया ही काम करने लगा N2 और 3S2 को बनाने में। तो हम लोग क्या करेंगे, N2 और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे बच्चे लोग, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने लगेगा, और कम करने के लिए क्या करेगा, वो दोनों कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी बोल सकते हैं या तो N2 और H2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दो, इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दोगे तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट चला जाएगा। फिर तो ये तीन आपके पास इफेक्ट है, ध्यान रखना यही तीन इफेक्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं। और एक चीज और भी होती है ना प्रॉब्लम, देखो बता रहे ये लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, हाइबर प्रोसेस पूरा पढ़ना होता है। लो टेम्परेचर पे तो आप कह रहे हो कि टेम्परेचर कम पे रिएक्शन कराओ, और लो टेम्परेचर पे आप जल्दी देखते हैं कि रिएक्शन फेवरेबल ही नहीं होती है, बहुत सारे रिएक्शन आप लोग देखोगे हाई टेम्परेचर पे कराना पड़ता है। लो टेम्परेचर सही है, लो टेम्परेचर पे हम लोग रिएक्शन को कराते तो है, लेकिन लो टेम्परेचर पे अच्छा रिएक्शन मतलब अच्छा जो चीज आप चाहते हैं थोड़ी जल्दी फास्ट हो वो थोड़ी जल्दी फास्ट नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग क्या कर फेवरेबल मतलब क्या इसके लिए अच्छा फेवर कंडीशन है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है सोने के लिए, है ना, कुछ कंडीशन तुम्हारे पास चाहिए, कूलर चाहिए तुम्हारे लिए सोने के लिए, तो तकिया चाहिए तुम्हारे लिए अकेले के लिए, ये सब तुम्हारे लिए कंडीशन है मतलब, और तुम्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगल बगल के लिए, तो कोई रिएक्शन नहीं है तुम्हारे ताकि तुम्हारा अच्छा खासा नींद को इंक्रीज कराया जा सके, मतलब वही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तुम्हारा फेवरेबल कंडीशन है, कोई डिस्टर्बेंस मटेरियल्स अगल बगल नहीं हो, टेम्परेचर मौसम भी बाहर का अच्छा रहे, तो इससे क्या होगा आपके पास अच्छा खासा नींद लगेगा। तो यहां पर भी रिएक्शन में एनएसथ्री के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन रखे कि एनएसथ्री के अमाउंट ज्यादा बढ़ सके, वही फेवरेबल कंडीशन हमारा हुआ। याद रखना कि लो टेम्परेचर पर जनरली रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता, ज्यादा अच्छे से फास्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, और कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो इसमें कैटलिस्ट के नाम पे आपको लिया गया है मोलिब्डेनम और आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, याद रखना आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन क्या जल्दी एब्जॉर्ब होकर फास्ट NS3 में कन्वर्ट हो सके, और आयरन बार बार यूज करने से आयरन की रिएक्टिविटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसके रिएक्टिविटी को फिर से एक्टिव करने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम प्रोमोटर यूज करते हैं। ये है प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या करता है कि जो कैटलिस्ट के भी रिएक्टिविटी को फास्ट कर सके वो होता है प्रोमोटर। तो खैर ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, अभी तो 12th के ऊपर बात है, बस आपको थोड़ा समझा चुके हैं। लो टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन काफी तेज नहीं होता है, स्लो होता है, तो उसके अंदर कुछ हम लोग कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ता है। चलो इधर देखो ध्यान से, तुम लोग बोलो, बोलते रहो। बेर है नहीं, बेर प्रोसेस अलग होता है, बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। हाँ बोलो, कम करोगे तभी ना प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर क्या हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बताओ स्टॉप हो गया तो तुम क्या कर लेना इसमें से, NS3 के तुम कॉन्सेंट्रेशन को मतलब NS3 तुम्हारा बन चुका है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन को आप और निकाल के बाहर निकाल दो तो फिर इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, फिर निकालो बाहर फिर कन्वर्ट होगा, तो तुमको तो क्या करना है NS3 के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन तो बैलेंस हो गया तो रुक जाएगा, तो अब NS3 के अमाउंट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे,
निकाल के ले आओ बाहर। चलो इस रिएक्शन को देखो और मुझे बताओ कि तीन कंडीशन इसके लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। जल्दी बताइए क्या क्या रखें। ये देख लो रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चे लोग, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब होता है तो हाई टेम्परेचर रख के बनाइए, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर। लास्ट हमारा रिएक्शन हाई टेम्परेचर है, सही है। इधर देखिए कॉन्सेंट्रेशन, हमें SO3 के अमाउंट को बढ़ाना है, तब कॉन्सेंट्रेशन किसका कम किया जाए किसका ज्यादा किया जाए। क्या SO3 का इंक्रीज कर दें? हाँ ठीक है, SO2 को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलो प्रेशर के ऊपर बताओ, प्रेशर कम पे करें ज्यादा पर रखे काम करें। इधर 3 मोल है इधर 2 मोल है, कम में जाना है तो फिर से प्रेशर को बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ये ही आपका एलिजिबिलिटी प्रिंसिपल कंप्लीट।